देखिए शिक्षा विभाग के एसीएस रहे हैं के पाठक, इन दिनों छुट्टी पर चल रहे हैं और उनके विभाग को बदल दिया गया है। राजस्व विभाग में उनकी तब्दीली हुई है, राजस्व विभाग में वो कार्यरत होंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, के पाठक जो शिक्षा विभाग के एसीएस हुआ करते थे, इन दिनों छुट्टी पर चल रहे हैं, उनकी जगह एसीएस एस सिद्धार्थ ने ली है, लेकिन अब उनके विभाग को ही बदल दिया गया है। राजस्व विभाग में उनका तबादला हुआ है। आपको बता दें कि लगातार उनके सख्त मिजाज, सख्त निर्णय को लेकर अलग अलग जगह से शिकायत भी आ रही थी। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पक्ष में अपनी बातें सामने रखा करते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, के पाठक का तबादला हो गया है। राजस्व विभाग में उनका तबादला किया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या कुछ जानकारी है के पाठक को लेकर? देखिए, के पाठक को लेकर जो जानकारी आई है, खबर आई है, अधिसूचना जो आई है, उसके मुताबिक राजस्व विभाग में सचिव के पद पर पदस्थापित किए गए हैं। इनके अलावा हम बात करें अगर दूसरे आईएएस अधिकारियों की, तो उसकी भी फहरिस्त काफी लंबी है। डॉक्टर एल सिद्धार्थ को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में पदस्थापित किया गया है। उसके अलावा दीपक कुमार सिंह जो है, उन्हें अपर मुख्य सचिव ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित किया गया है। अरविंद कुमार चौधरी जो है, इन्हें अगले आदेश तक प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे आईएएस अधिकारी की, पंकज कुमार पाल जो है, इन्हें अगले आदेश तक